What's up everyone, welcome back to our channel. So guys, आज की वीडियो में एक नई जॉब ओपनिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है YOLO EdTech Private Limited में. प्रोफाइल का नेम है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव. फ्रेशर्स भी कम्प्लीटली एलिजिबल हैं और एक्सपीरियंस तो एलिजिबल हैं ही. बात करेंगे यार जॉब लोकेशन क्या होगी, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली आई विल बी रिव्यूइंग दिस कंपनी. सो सबसे पहले बता देता हूँ आपको, ये एडटेक कैटेगरी की कंपनी है, ठीक है. जो काम बायजूस या वेदांतु या टॉपर इन सब में होता है, वही काम आपको यहाँ पे करना है, ठीक है. इनके जो K-12 के कोर्सेज हैं उसको आपको स्टूडेंट्स को सेल करना है. नाउ अब बात करूँगा जॉब लोकेशन की, तो यार जो जॉब लोकेशन है वो है गुड़गांव, और ये वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाला है कम्प्लीटली. हाँ, एट अ रिक्वेस्ट आपको वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, बिकॉज अब काफ़ी ज़्यादा सारी कंपनियाँ खुलने लग गई हैं, ठीक है. जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन कम हो रही है वैसे ही कंपनीज भी खुलती जा रही हैं. नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यार अप्लाई हर कोई कर सकता है, ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर जो ग्रेजुएट नहीं है, जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सेल्स का 1-2 साल का, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट कि यार आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली हैं, तो उसके लिए मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन इसका दिखा देता हूँ. सो गाइज, ये रहा इस पर्टिकुलर प्रोफाइल का जॉब डिस्क्रिप्शन जो मुझे इनकी HR ने भेजा है. HR की ईमेल ID मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो वहां पे आप डायरेक्ट मेल कर लेना अगर आपको अप्लाई करने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो. ओके, नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट कि यार यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या क्या है. रिक्वायरमेंट से पहले आपको बता दूं, लोकेशन गुड़गांव होने वाली है. YOLO के बारे में मैंने आपको बता दिया कि K-12 नेटवर्क पे मोस्टली फोकस करती है. 11-12 के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो आपकी टारगेट ऑडियंस होने वाले हैं, उन्हीं को आपको इनके कोर्सेज को पिच करना है. नाउ कमिंग टू द रिक्वायरमेंट पार्ट, सो कंफर्टेबल मेकिंग कोल्ड कॉल्स एंड टॉकिंग टू न्यू पीपल ऑल डे, एक्सेलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लोजिंग सेल्स अपॉर्चुनिटीज थ्रू इनबाउंड लीड फॉलो अप एंड आउटबाउंड कोल्ड कॉल्स एंड ईमेल्स. एक चीज यहाँ पे है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है यहाँ पे, ओके. जैसे बायजूस या वेदांतु टॉपर इन सब में होता है कि आपको घर जाके सेल क्लोज करनी होती है, पिच करना होता है, ठीक है. यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा कोल्ड कॉलिंग के जरिए या कॉल्स करके ईमेल्स पे रिस्पॉन्स लेकर के, ठीक है, आपको सब कुछ फोन पे क्लोज करना है यहाँ पे, ओके. ज़्यादा जरूरत पड़े तो वीडियो कॉल पे भी जा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है. अब इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, तो यार अप्लाई 6 मंथ से लेकर के 5 साल तक के एक्सपीरियंस बंदे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल दो मैंशन नहीं है बट इट इज कन्फर्म फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. जॉब लोकेशन मैंने आपको बता दी, गुड़गांव होने वाली है. एंड सैलरी, ये आपको जो लोग भी एक्सपीरियंस हैं उनकी एक्सपेक्टेड CTC पे मिलेगी. जो भी पहले CTC थी उसके हिसाब से वो एक्सपेक्टेड CTC अपनी बना सकते हैं. नाउ कमिंग टू द फ्रेशर्स पार्ट, तो आपको आराम से यहाँ पे 20,000 के अराउंड या 25,000 के अराउंड सैलरी इजिली मिल जाएगी बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू. अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू की, तो यार इंटरव्यू इसमें एक टेलीफोनिक राउंड होता है, दूसरा जो राउंड होता है वो आपका वीडियो कॉल इंटरव्यू होगा, और अभी क्या कर रहे हैं ये लोग ऑफिस में भी बुला रहे हैं फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए. सो टोटल आपको 3 राउंड्स होने वाले हैं. अगर आप ऑफिस जाते हो तो ये तीनों राउंड नहीं सिर्फ दो राउंड, क्योंकि टेलीफोनिक इंटरव्यू आपका फर्स्ट जो कॉल होती है वही एक पहला राउंड कंसिडर किया जाता है इसमें. सो अगर आप ऑफिस जाते हो इनके, तो वहीं पे आपका एक ही दिन में ये दोनों राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है. और उसके बाद आपको कंफर्मेशन अगर देना होता है तो ऑन द स्पॉट कंफर्मेशन दे देते हैं. कभी कभार होता है कि 1-2 दिन बाद भी कंफर्मेशन आता है काफी लोगों को. बात करूं वर्क लाइफ बैलेंस की, तो यार वर्क लाइफ बैलेंस में इस कंपनी का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है. बट जितना मैंने सुना है कि लगभग एडटेक जैसा ही माहौल है इस कंपनी में भी. जो भी एडटेक कैटेगरीज की कंपनी एम्प्लॉयज के साथ जिनके जैसा भी बिहेवियर है उनका काम को लेकर के, ऑल दो सब कुछ सिमिलर है, स्टेबिलिटी ना के बराबर है. एंड जॉब को मेन पर्पज ये था इस ओपनिंग को डालने का कि जो लोग भी फाइंड आउट कर रहे हैं या जो लोग भी यार कर सकते हैं ऐसा काम, वही लोग करें. बाकी एक्सपीरियंस को तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ना जाएं. अगर फ्रेशर हो आप, थोड़ा बहुत सीखना चाहते हो सेल्स के बारे में, ठीक है, तो आप जा सकते हो. MBA करके आए हो, जॉब नहीं मिल रही है, या BCom BBA करके आए हो, जॉब शुरू में ही करनी है आपको, तो वो लोग जा सकते हैं. बिकॉज शुरू में ये लोग 1-2 महीना आपको झेल लेंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे. बट उसके बाद की गारंटी नहीं है कि अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही तो रखेंगे या आउट कर देंगे. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दी HR, इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द कंपनी.
सो अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो और एचआर की ईमेल आईडी भी दे दी है। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट कि यार अब आपको क्या करना है, तो यार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।